गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे कमेटी के सदस्य यादराम राणा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर लगी स्टॉल के लाइसेंस चेक किए गए और स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा लिया गया। उत्तर रेलवे कमेटी के सदस्य यादराम राणा ने स्टेशन निरीक्षण के दौरान कहा कि स्टेशन के दायरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जिन्हें जल्द ही मीटिंग में पास करके यहां लगाया जाएगा और सवारियों के बैठने के लिए जो वेटिंग रूम है उसका दायरा भी जल्द डबल किया जाएगा। कुछ खामियां मिली है जो यहाँ पे, उसका हम मीटिंग में जोर पुरजोर आवाज उठाएंगे। और यहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, उसके लिए हम पूरे उसमें देखा है कि सीसीटीवी होना बहुत ज़रूरी है। सीसीटीवी लगवाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। साफ सफाई की बात करें और जो वेटिंग हॉल है उसमें भी आप देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं, लेकिन हाँ वेटिंग हॉल भी बहुत छोटा है, हमने देखा है यहाँ पे वेटिंग हॉल बहुत छोटा है। इसको भी एक बार बात करेंगे रेल मंत्री जी से, या फिर जैसे भी बात हो उठेगी मीटिंग में। ये यहाँ हमारे गुड़गांव के हिसाब से बहुत छोटा है, ये कम से कम डबल होना चाहिए, इसके लिए भी हम जरूर वो आपने स्टॉल प्रेस के ऊपर भी आपने विजिट की, कुछ के पास लाइसेंस नहीं थे उसके बाद भी वो पानी पीने की स्टॉल वगैरह, हाँ वो उसमें कुछ कामियाँ पाई है, वो यहाँ पे स्टेशन मास्टर अपने मीना जी से बात करी है, तो वो दोबारा एक बार आके चेक करेंगे और उसको जो भी कुछ कमियाँ होगी वो दोबारा खुद आके चेक करके और ठीक करेंगे। यहाँ पे गुड़गांव के अंदर एक बहुत माना हुआ शीतला माता का मंदिर है, काफ़ी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, अब उनकी व्यवस्था को लेकर जैसे आगे गर्मी हो उसके लिए क्या आपने? हाँ यहाँ पे अभी बात करी है, बहुत कमियाँ है उसके अंदर, माँ शीतला माता के अंदर। अब मैं सोमवार को दोबारा आऊँगा, जो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है इस चीज़ में मंडे को, वो भी आके मैं एक बार चेक करूँगा पर्सनली आके। चंडीगढ़ तक के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? वो नहीं है, वो अभी बात की है मैंने यहाँ पे कि वो कनेक्टिविटी नहीं है, उसके लिए भी हम बात करेंगे कि भाई जो भी प्रयास होगा हमारे से कि चंडीगढ़ तक के लिए यहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाए। ठीक है।